मैं ये समझता हूँ कि ये फिल्म अगर मेरी लाइफ में विकास विकृति नहीं होते तो मुखर्जी नगर में बनाना बहुत मुश्किल होता। विक्रांत के चेहरे के ऊपर कोई मेकअप नहीं है, लोग कहते हैं कि इतना अच्छा मेकअप कैसे हो गया, मेकअप है ही नहीं। वो वहां गया चंबल में और वो छत पे ऐसे लेटा रहा, 15 दिन उसकी पूरी स्किन जल गई। कॉस्ट्यूम्स रियल हैं, घर रियल है, लोग रियल हैं, स्टूडेंट्स रियल हैं, मुखर्जी नगर रियल है। हमारे प्रधानमंत्री हम चाय बेचते थे टी स्टॉल पे, आज प्रधानमंत्री है तो उनकी भी तो कोई जर्नी होगी ना। वाजपेयी जी की कविता जो है जो यूज किया अटल बिहारी जी की, कि वो कहता है कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर खिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नमस्ते, मैं हूं नूतन और दीप्रिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों सिनेमा घरों में छाई मूवी 12th Fail सभी के दिलों को जीत रही है। आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के चुनौतीपूर्ण जीवन पर बनी इस फिल्म को बनाया है मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा सर ने, और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस बेहतरीन फिल्म को बनाने के लिए। मैंने ये फिल्म देखी सिनेमा घर में, मैं इसे देखकर रोई और खुश हुई, बहुत सारे इमोशंस मैंने फील किए इस फिल्म को देखने के दौरान। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कहानी बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल थी, ये 2 फिल्मी ना हो जाए, इसके लिए आपने क्या कुछ किया और वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? देखिए, इसको आपने जो फिल्म देखी है तो आप देख रहे हैं कि कितना रियल है पूरा सब। यस, इसमें कुछ फिल्में जो कॉस्ट्यूम्स भी पहने हैं लोगों ने, वो बंबई से नहीं बने हुए, वो कॉस्ट्यूम भी हमने गांव के लोगों का ही लिया है। और विक्रांत के चेहरे के ऊपर कोई मेकअप नहीं है, लोग कहते हैं कि इतना अच्छा मेकअप कैसे हो गया, मेकअप है ही नहीं। वो वहां गया चंबल में और वो छत पे ऐसे लेटा रहा, 15 दिन उसकी पूरी स्किन जल गई। और वो जो स्किन उसकी ब्राउन है, वो जली हुई स्किन है, वो मेकअप नहीं है, कोई ग्रीस का इस्तेमाल नहीं हुआ जैसे कि कुछ दूसरी नहीं फिल्मों में हम देखते हैं। कुछ नहीं। तो इसके लिए आप देखेंगे कि वो इतना अच्छा। उससे क्या होता है, जो कलाकार है, जब उसका उसकी भी स्किन सच में जल जाती है, तो जब वो एक्ट भी करता है, परफॉर्म भी करता है, तो वो भी रियल हो जाता है, क्योंकि उसके मन की जो वो पूरा बिल्कुल वो गांव का हो जाता है। तो इसमें बहुत कॉस्ट्यूम्स रियल हैं, घर रियल है, लोग रियल हैं, स्टूडेंट्स रियल हैं, मुखर्जी नगर रियल है, तो फिल्मी तो इसमें कुछ है ही नहीं। सर, मुखर्जी नगर का आपने जिक्र किया, फिल्म का बहुत कुछ हिस्सा, फिल्म में बहुत सारा हिस्सा मुखर्जी नगर दिखाया गया है, और यूपीएससी के लिए मुखर्जी नगर वैसा ही है जैसा एक्टर्स के लिए मुंबई है। सब मुंबई में हीरो बनने आते हैं और यहाँ पर आईएएस आईपीएस बनने के लिए आते हैं। तो मुखर्जी नगर में शूट करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट था, और वहां का उसको किस तरीके से रिसर्च किया आपने, क्या क्या तैयारियां की वहां पर शूट करने के लिए? ये मुखर्जी नगर में पहले सवाल का जवाब तो मैं ये देता हूँ कि शूट करना, बिकॉज इतने 5,000 लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हमारे साथ बहुत, खासकर जो दृष्टि के स्टूडेंट्स थे, जो जिनके साथ हम काम कर रहे थे, वो सब स्टूडेंट्स ने एकदम जान लगा के काम किया। जो हमारे रिजल्ट के सीन्स हैं, जो हम आउटडोर सीन शूट कर रहे थे, वो एक एक सीन में आप देखेंगे दो दो चार चार पांच पांच हजार स्टूडेंट खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि 10-20 लोग खड़े हैं। तो एक एक शॉट के अंदर जब 2-2,500 खड़े होते हैं लोग, तो उसका, और वो रियल स्टूडेंट्स हैं, तो इट्स ए वेरी अनयूजुअल फिल्म आई थिंक वी मैनेज टू मेक। बिल्कुल एक सर, जैसे आपने, तो वही ना, बिल्कुल। अमूमन जब हम नेटफ्लिक्स मतलब किसी भी ओटीटी पर हम फिल्म देखते हैं तो उसे अक्सर आगे बढ़ा देते हैं कि ये सीन अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे आगे बढ़ा देते हैं। जब मैं ये फिल्म देख रही थी तो मुझे किसी एक सीन में भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इसे आगे बढ़ा देना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि ये फिल्म कहीं है नहीं, ना नेटफ्लिक्स पे, ना अमेज़न पे, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सिर्फ सिनेमा घर में। तो आप इसलिए भी हैं कि पूरी फिल्म देखें, और इसको सिर्फ सिनेमा घर में ही हम दिखा रहे हैं, ये फिल्म कहीं कहीं और नहीं है, कहीं और आएगी। जी सर। सर, आप ये इसमें बहुत ज्यादा जो हिस्सा है वो यूपीएससी की जर्नी का दिखाया गया है, जिसके लिए हमारे देश में लाखों युवक
और मतलब यूथ जो है हमारा बहुत ज्यादा इसके लिए प्रिपेयर करता है। तो आपका पिक्चर आपने बनाई इस पे, आपके अगर मैं विचार जानना चाहूँ यूपीएससी की तैयारी को लेकर, कि लोग अपने जीवन के 8-8, 10-10 साल इस एक एग्जाम में बिता देते हैं जिसका सक्सेस रेट सिर्फ 1% से भी कम है अगर मैं कहूँ तो। देखिए, ये यूपीएससी की कहानी तो है ही है, लेकिन ये कहानी हमारे हम सब के संघर्ष की भी कहानी है। हम सब लोग, जैसे मैं फिल्म में जब बनाने आया था कश्मीर से, तो मेरा सक्सेस रेट भी 1% से कम ही था। आप कुछ भी करना चाहें, जो बहुत आप कुछ भी अच्छा करना चाहें, तो सक्सेस रेट तो कम हो ही गई। तो उसके लिए ये मैंने यूपीएससी का पूरा, मैंने पूरा वो उनका रिसर्च किया है, उन लोगों पे बनाया, लेकिन ये सिर्फ उनकी कहानी, जैसे मैंने लिखा है, इट्स बेस्ड ऑन 1 ट्रू स्टोरी बट इज इंस्पायर्ड बाय मिलियन ट्रू स्टोरी। कितनी कहानियां हैं, कितने लोगों की कहानियां हैं जो गांव से या छोटे शहरों से आए हैं और जिन्होंने अपनी स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचे। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, हम चाय बेचते थे टी स्टॉल पे, आज प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी भी तो कोई जर्नी होगी ना। जी, इस फिल्म पे सर किताब जो है पहले आ चुकी है, आप अपने पुराने इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि आपने किताब पढ़ी और बीच बीच में आप पढ़ने के दौरान आईपीएस मनोज शर्मा को फोन करते थे, उनसे बातचीत करते थे। तो किताब में एक कहानी होती है, उसको आपने सिनेमा में उतारा है, तो उसके क्या कुछ चैलेंजेस थे और क्या कुछ बदलाव आपने किए? मतलब कि ये किताब की कहानी है, कहानी लोगों को पहले से पता है, वो किताब भी बहुत मशहूर किताब है, लोगों ने पढ़ी है, तो सेम कहानी को सिनेमा में उतारना कितना चैलेंजिंग रहा और क्या कुछ आपने उसके लिए कहानी क्या क्या सेम चेंज? नहीं है, कहानी सेम नहीं, कहानी का ढांचा सेम है, लेकिन स्क्रिप्ट और नॉवल में बहुत फर्क है। स्क्रीन प्ले में और नॉवल में बहुत बहुत अंतर है। तो अगर आप किताब पढ़ेंगे, उसका ढांचा है, लेकिन कहानी जो हमारी फिल्म की है, उसका जो स्क्रीन प्ले है, तो तभी तो उसको 3 साल लगे लिखने में। अगर पूरी वही कहानी होती तो फिर तो किताब से उठ के बना देते। तो बहुत फर्क होता है कहानी और नॉवल में, क्योंकि नॉवल में आपको बताना है कि कोई आदमी ऑनेस्ट है, तो बहुत सिंपल है, आप एक ही लाइन लिखते हैं कि बहुत ईमानदार आदमी था उसका बाप। फिल्म में कैसे बताएंगे कि वो ईमानदार है? या तो कोई कैरेक्टर बोलेगा कि उसका बाप ईमानदार है, या आप उसको कुछ ईमानदारी के एक्शन में दिखाएंगे, जैसे हमने दिखाया कि वो चप्पल मारता और कहता है कि मैं एक और चप्पल मारूं, तब आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ईमानदार आदमी। तो ये इतना बड़ा फर्क मैं आपको बता रहा हूं नॉवल में और सिनेमा में, कि सिनेमा में आप नहीं बोल सकते कि ये तो बड़ा ही ईमानदार आदमी है। आपको लोगों को प्रूव कहानी करना बहुत, पड़ता है, हाँ, दिखाना पड़ता है। बताना पड़ता है, या इधर इन एक्ट ऑफ ऑनेस्टी और सम कैरेक्टर हैज टू से ही इज ऑनेस्ट, अदरवाइज यू डोंट नो। सर यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी की दुनिया में विकास दिव्य कृति को मैं कहूँ तो वो यूपीएससी के शाहरुख खान में एक तरीके से कह सकती हूँ, उनकी पॉपुलैरिटी मुखर्जी नगर में इतनी है और उनको पहली बार हमने ऐसे अभिनय करते हुए आपकी फिल्म में देखा। इसके अलावा भी उनका इस फिल्म में क्या कुछ योगदान रहा अभिनय के नहीं, अलावा? उन्होंने एडिशनल स्क्रीन प्ले लिखा है मेरे साथ, कई सीन्स, क्लाइमेक्स में जो पूरा सीन है एक फ्लैशबैक का, वो विकास ने लिखा है। और अभिनय तो उन्होंने किया ही नहीं, वो तो जो है वही है तो वो तो हाँ, बहुत वो क्लास इजी लेते हुए थे। था, पर वो बहुत इजी था। लेकिन विकास ने सबसे, मैं ये समझता हूँ कि ये फिल्म अगर मेरी लाइफ में विकास दी विकृति नहीं होते, तो मुखर्जी नगर में बनाना बहुत मुश्किल होता। उनका बहुत बहुत ज्यादा वहां पे उनका बड़ा है, क्योंकि नहीं बन सकता उनके सहयोग के बगैर, तो हमें उनका सर बहुत किरदार आभार। के लिए आपने विक्रांत मैसी को चुना, इसके मतलब वही उनको ही, उनकी क्या ऐसी खासियत थी कि आपने उनको ही चुना? विक्रांत मैसी क्यों इस किरदार के लिए? देखिए, जैसे आपने पहले ही वर्ड यूज किया फिल्मी, मैंने तो नहीं यूज किया, आपने बोला, जी आप आंख बंद करके किसी और हिंदी फिल्म के हीरो को उस रोल में देख लीजिए, आपको लगेगा कि फिल्म फिल्मी हो गई है। आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर आप सच्चाई के पथ पे एक सच्ची ऑनेस्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, और मुझसे अमूमन कहा जाता है कि आपने 4 साल ऐसे क्यों लगा दिए,
आप तो मुन्नाभाई 3, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 3 बना बना बनाते ही जा रहे थे, आप कैसे आपने इतना टाइम बिता दिया इसके ऊपर? और इसलिए क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं कि ऐसा सिनेमा देश में बनना चाहिए कि हमारे देश के बच्चों को ऐसी फिल्म देखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि जिंदगी में हताश होकर जान देने का मतलब कुछ नहीं है। बहुत लोग देते हैं, जैसा मैंने अपनी छाती पर लिखा हुआ है, रिस्टार्ट कीजिए। और फिल्म में आप देखते हैं कितना रीस्टार्ट, कितने लोग कितनी बार रीस्टार्ट करते हैं। आप एक गेम खेलते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ, होते हैं ना, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हार नहीं मानूंगा, जैसा वाजपेयी जी की कविता जो है, जो यूज किया अटल बिहारी जी की, कि वो कहता है कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर खिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। क्या बात है अटल जी, बिल्कुल। सर अब ये आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि समय का अभाव है। सर हमने पूरे पिक्चर में देखा मनोज शर्मा की जो बचपन से लेकर आईपीएस बनने तक का सफर, उनका रियल पर्सोना आपने निजी तौर पर आपने देखा होगा कि आफ्टर लाइफ उसकी, क्योंकि हम फिल्म में देख पाए कि वो आईपीएस बन जाते हैं, आफ्टर लाइफ ईमानदारी को बनाए रखना क्योंकि चुनौतीपूर्ण होता है और हम लोग देखते भी हैं, तो वो आपको उनके अभी के वर्तमान जीवन में नजर आता है, कैसा उनका पर्सोनल कि अगर लगता है? नहीं आता तो मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा, तो फायदा क्या एक आदमी पे फिल्म बनाओ कि यार वो 1997-2000 में ऑनेस्ट था पर अब तो नहीं है, पर छोड़ो जाने दो, अब की बात मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने मनोज से कहा भी है कि भैया अब ये फिल्म बन गई है, अब तुम जिंदगी में कभी ईमानदारी का दामन छोड़ोगे तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पीछे पकड़ने दूंगा। पर उस जैसा और श्रद्धा जैसा, श्रद्धा और मनोज दोनों, मैंने एक पॉलिटिशियन ने मुझसे कहा था जब मैंने उसने कहा, बहुत बड़े नेता हैं, तो बोले कि कौन क्या बना रहे हो विनोद, तो मैंने बोला एक दो ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स पे फिल्म बना रहा हूं, तो हंस के बोले कि यार तुमको मिल गए, हम तुमको मिले नहीं आज तक। तो मैंने कहा सर मुझे मिले और भगवान चाहेगा तो ये फिल्म देख के और बनेंगे। मेरी तो यही आशा है कि ये फिल्म देख के, जैसा विकास द्विवेदी ने कहा फिल्म में कि 1% है मुश्किल से जिनके लिए मैं खड़ा होता हूं, तो मैं मेरा अगर ये 1% का 2% हो गया तो मुझे लगेगा मेरे 4-5 साल जो है वो सफल हो गए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, और फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुक्रिया आपने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।